विकास खंड सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलाई दादर में शासन द्वारा अनुसूचित जाति का अनाबद्ध योजना के तहत पुलिया निर्माण हेतु 5 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है, जिसका कार्य एजेंसी सरपंच ग्राम पंचायत तिलाई दादर है। वर्तमान में बनाए जा रहे पुलिया में गिट्टी सीमेंट के स्थान पर बड़े बड़े जंगली पत्थर का इस्तेमाल कर शासकीय राशि को गबन करने की मंशा से शासन ने स्वीकृत राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें SDO RES अधिकार सरपंच के साथ मिली भगत कर गलत तरीकों से मूल्यांकन कर शासकीय राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि कार्यवाही में उच्च अधिकारी कहां तक और किसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से हैं? ग्राम पंचायत तिलाई दादर। आपके यहां कार्य एजेंसी द्वारा कार्य करा जा रहा है नया पुल निर्माण में, इसके बारे में क्या कहना है आपको? ये बहुत घटिया निर्माण हो रहे हैं, यहाँ ये वोल्टर वगैरह डाल रहे हैं, ये मसाला कम खपत हो बोल करके, और गिट्टी और रेता खाली नाम मंत्र के नाम से सीमेंट डाला जा रहा है। कार्य एजेंसी सरपंच के को आपने बताया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? हाँ, अच्छा बनाना है करके बोले थे? हाँ बोले थे। तो क्या बोले सरपंच, क्या बोले? सरपंच के पास नहीं गए थे, वहाँ और पंच थे, उन लोग से बातचीत किए और वहाँ काम कर रहे थे, उन लोग लेबर से भी बात किए तो बोल रहे कि काम अच्छा चल रहा है और जो भी करना है कर लो, ऐसा बोलते हैं जी। अच्छा सर, बताएंगे तिलाई दादर ग्राम पंचायत में नया पुल निर्माण में और कार्य निमित्ताएँ नज़र आ रही हैं, उस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी सर? ग्रामीण द्वारा आपके यहाँ शिकायत किया गया था? हमारे यहाँ 18 तारीख को शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, ऐसी बातें सामने आई है। उसमें हम जो है SDO RES से कितने का इस्टीमेट था और मतलब कहाँ तक बना है, विधिवत गुणवत्ता पूर्वक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके संबंध में हम रिपोर्ट लेंगे, तभी आगे कार्रवाई कर सकते हैं। सर वहाँ कब जाना सर? छठ के लिए कुछ वो SDO RES देगा, क्योंकि वो लोग चेक करता वही है, ठीक है। RES मतलब विभाग है, वो लोग उसका गुणवत्ता का चेक करते हैं, निर्माण एजेंसी तो वही है, तो वही लोग बता पाएंगे गुणवत्ता पूर्वक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। SDO को आप कब निर्देशित कर रहे हैं सर? अभी आया, चिट्ठी जारी हो जाए, सप्ताह भर में आ जाएगा रिपोर्ट। SDO के लिए सारंगढ़ से दिनेश जौले की रिपोर्ट।